गोवा में भी देसी मुर्गी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं रंजीत सिंह, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है उसको। तो रात को यहीं पर रुके और एक दोस्त के पास, मतलब इधर दूसरा साइड लिया है तो इधर रुके थे और अभी रूम पर हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे वहाँ पर जिधर हम रहते रहे हैं वहाँ। और यहाँ मतलब तो देख सकते हैं और दोस्त का रूम इधर, और कल आया हूँ और उससे भी मिलाऊँगा और यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ का व्यू इस प्रकार से है, कुछ रूम मिला है यहाँ का स्पेशल, तो इस प्रकार से है रूम। देख इधर रख दिया है पाइबुल और इधर मिला है पैर कुछ, और थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा किचन दिखा देता हूँ। और इधर बन रहा है, सब बन के रेडी हो चुका है, सब खाना होगा। और ये रहा हम लोग का मतलब किचन, और सारा सामान इधर नीचे रख दिया है। और ये रूम मतलब दो आदमी के लिए बहुत बड़ा है, देख सकते हैं इस प्रकार से है। और नहाने धोने के लिए भी मतलब रूम में ही है, देख सकते हैं इधर इधर नहाने के लिए, और इधर बाथरूम, और उधर राम है, बोल दो राम। और यही है, पहले भी इसके साथ में काम करते थे हम लोग, और आ गया है और अभी थोड़ा आया है घर से, तो मतलब कपड़ा वपड़ा मतलब चेंज किया, मतलब गंदा हुआ था तो नहाया था, पता नहीं मलेगा उधर, और उधर नहा के आया था तो वही कपड़ा सब हो रहा है वो। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे कुछ देर बाद, वेट करते हैं कुछ, उसके बाद में कुछ टाइम, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे। ए रहेगा राम और कोई और एक लड़का है वो आने वाला है, तो वो लोग रहे, हम लोग संडे संडे कभी कभी आएंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे दिखाते हैं और क्या क्या होता है उसको, यहाँ से निकलेंगे और कितना टाइम लगता है पता नहीं, तो जैसे निकलते हैं यहाँ से उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आप तक ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और अभी आया हूँ मैं सावडे गोवा, सावडे यहाँ से मतलब मड़गांव से मतलब करीब एक घंटा लग जाता है जैसे लगता है। चलिए ब्लॉग बने रहिए आगे और दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। जिसके साथ में रहते हैं उसका वेट कर रहे हैं और अभी जस्ट आने वाला है, फ़ोन किया था, और यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से चलते हैं। तो हम लोग फाइनली यहाँ से अभी निकल चुके हैं और सामान को हमको पकड़ा दिया था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करने नहीं सका, तो अभी रास्ता पर कर रहा हूँ। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, बीच रास्ता पर हैं और देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ यहाँ का व्यू, कुछ नज़ारा। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर आगे जाके दिखाते हैं। और फाइनली आधा दूर आ चुके हैं और यहाँ से और कितना टाइम लगता है देखते हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉग बने रहे और कितना टाइम लगता है देखते हैं। अभी पहुँच चुके हैं कुछ आधा रास्ता और यहाँ से फिर जाने वाले हैं, तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग बने रहिए, दिखाते हैं फिर आगे और कितना टाइम लगता है। गोवा में भी देसी मुर्गी देख सकते हैं।
पहुंच चुके हैं और अभी नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और बैठे हैं रूम पर अभी। और वहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया और लेट हुआ आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद में उधर से खाना वाना लेके आए थे, वो मतलब मेरा जो पात्रा है उसका मतलब घर से ही बना के लाया था, तो उधर डायरेक्ट हम लोग आए और डायरेक्ट चल गए डिप्टी तरफ गए और डिप्टी करके अभी शाम हुआ। और शाम होने के बाद में अभी रूम आए हैं, जस्ट रूम आए, नहा धो के रेडी हो गए हैं, बैठे हैं, उसके बाद में वीडियो एंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले तक अच्छा अच्छा ऐसे ही ब्लॉग वीडियो मिले। तो चलिए आज के लिए इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड के बाद फिर अगला ब्लॉग वीडियो मिलते हैं कुछ अच्छा ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अगला नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो लाते हैं, बाय।